बच्चों, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ क्या आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही महान इंसान थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इनकी स्वच्छ छवि के कारण 27 मई 1964 को नेहरू जी के मृत्यु के बाद शास्त्री जी को देश की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। आइए जानें उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कहीं ट्रेवल के लिए जाते हैं तो बस और ट्रेन में कुछ सीट्स लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होती हैं। क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी? जी हाँ, इसकी शुरुआत भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही की थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही आरंभ किया था। शास्त्री जी की ही देन थी रेलवे में 3rd क्लास। उन्होंने 1st और 3rd क्लास के किराए में काफी अंतर कर दिया था। इससे कमजोर तबके के लोगों को बड़ी राहत मिली थी। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। देश में भयंकर सूखा पड़ गया। इसी मौके पर उन्होंने देश की कृषि आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए यह देश को एकजुट करने के लिए यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। इनके मरण उपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न में से भी इन्हें सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन हर उस नौजवान के लिए प्रेरणा का प्रतीक है जो अभावों में जी रहा है। कैसे इन्होंने कम सुविधाओं के बीच भी अपनी पढ़ाई पूरी की और देश के प्रधानमंत्री बने। जय जवान जय किसान।